हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 31 अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स पर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 4 to 5 क्वेश्चन हर एग्जाम की हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछा ही जाता है। और फ्रेंड्स, अभी जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो रहा है उसमें 10 मार्क्स के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स पर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। भारतीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये आपको याद रखना है। भारतीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के कृषि सहकारी व्यापार मंच की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC के कृषि सहकारी व्यापार मंच की पहली बैठक नेपाल के काठमांडू में शुरू हुई है और इस बैठक का जो विषय है वो है किसानों के परिवारों को संगठित और मजबूत बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और मैं बता देता हूँ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब SAARC के कृषि सहकारी व्यापार मंच की पहली बैठक नेपाल के काठमांडू में शुरू हुई और इस बैठक का जो विषय है वो है किसानों के परिवारों को संगठित और मजबूत बनाना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ SAARC की बात हो रही है तो SAARC के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। SAARC का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और SAARC की जो स्थापना हुई है वो है 8 दिसंबर 1985 को, और SAARC का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में। तो इतने पॉइंट आपको SAARC से याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर नेपाल था, तो नेपाल के भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपालीस रूपी, और नेपाल के जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। तो इतने पॉइंट आपको नेपाल से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेष बल अधिनियम को राज्य में अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम ने सशस्त्र बल विशेष बल अधिनियम को राज्य में अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और सशस्त्र बल विशेष बल अधिनियम को इंग्लिश में बोलते हैं AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और यह एक्ट 1958 में आया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कब आया था? 1958 में आया था। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर असम है, तो असम के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, असम के जो CM है वो है सर्बानंदा सोनोवाल, और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असम से कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो असम में, और ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पॉइंट भी आपको असम से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में गूगल ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवलेखा। नवलेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गूगल ने नवलेखा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका संस्कृत में अर्थ है लिखने का एक नया तरीका, और नवलेखा प्रोजेक्ट भारत में ऑफलाइन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को अपनी सामग्री को ऑनलाइन लाने में सशक्त बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, हाल ही में गूगल ने नवलेखा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका संस्कृत में अर्थ है लिखने का एक नया तरीका, और नवलेखा प्रोजेक्ट भारत में ऑफलाइन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को अपनी सामग्री को ऑनलाइन लाने में सशक्त बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ गूगल की बात हो रही है तो गूगल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गूगल की जो स्थापना हुई है वो हुई है 4 सितंबर 1998 को। गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया US में, और गूगल के जो CEO हैं वो है सुंदर पिचाई। तो इतने पॉइंट आपको गूगल से भी याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है,
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे छोटे रोबोट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस रोबोट की जो साइज है वो है 120 नैनोमीटर, ये आपको याद रखना है। कितनी है साइज? 120 नैनोमीटर। और इसका जो उपयोग होगा वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के उपचार के हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, इस रोबोट की जो साइज है वो है 120 नैनोमीटर और इसका जो उपयोग होगा वो होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारी के उपचार के हेतु के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर अमेरिका है। तो अमेरिका के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की जो करेंसी है वो है USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राजस्थान में विद्युत वितरण के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितने ऋण हेतु समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, $250 मिलियन। $250 मिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक ने $250 मिलियन का करार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर और इसी को ही हम पिंक सिटी भी कहते हैं। और राजस्थान के जो CM है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह। तो इतने पॉइंट आपको राजस्थान से याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत ने विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, $300 मिलियन। $300 मिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ऊर्जा दक्षता स्केल अप कार्यक्रम के लिए यह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, भारत ऊर्जा दक्षता स्केल अप कार्यक्रम के लिए यह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ विश्व बैंक की बात हो रही है तो विश्व बैंक के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो ये 1944 में। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC US में। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है जिम योंग किम। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है विश्व बैंक से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर के 29वें संस्करण के लिए किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर मतलब अतिथि सम्मान के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ अबू धाबी की बात हो रही है तो अबू धाबी कहाँ है? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। UAE की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। और UAE के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इतने पॉइंट आपको UAE से भी याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एशियाई खेलों 2018 में किस देश के खिलाफ हारने के बाद भारतीय टेबल टेनिस पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों 2018 में दक्षिण कोरिया से हारने के बाद भारतीय टेबल टेनिस पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ दक्षिण कोरिया इसका आंसर है, तो दक्षिण कोरिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साउथ कोरिया के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल। दक्षिण कोरिया की जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वोन। और दक्षिण कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो है मून जाई इन। तो इतने पॉइंट आपको साउथ कोरिया से भी याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एशियाई खेलों 2018 में अरपिंदर सिंह ने ट्रिपल जंप में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। स्वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें एशियाई खेलों में ट्रिपल जंप में अरपिंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको नाम याद रखना है और ट्रिपल जंप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एशियाई खेलों 2018 में नीरज चोपड़ा ने पुरुष वर्ग के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। एशियाई खेलों में पुरुष वर्ग के जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं उसको हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो का एनालिसिस जरूर करें।
जिससे मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको आज बताए हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के कृषि सहकारी व्यापार मंच की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के कृषि सहकारी व्यापार मंच की पहली बैठक नेपाल के काठमांडू में शुरू हुई है, और इस बैठक का जो विषय है वो है किसानों के परिवारों को संगठित और मजबूत बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और मैं बता देता हूँ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब सार्क के कृषि सहकारी व्यापार मंच की पहली बैठक नेपाल के काठमांडू में शुरू हुई, और इस बैठक का जो विषय है वो है किसानों के परिवारों को संगठित और मजबूत बनाना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ सार्क की बात हो रही है तो सार्क के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और सार्क की जो स्थापना हुई है वो है 8 दिसंबर 1985 को, और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में। तो इतने पॉइंट आपको सार्क से याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर नेपाल था, तो नेपाल के भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपालीस रुपी, और नेपाल के जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। तो इतने पॉइंट आपको नेपाल से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेष बल अधिनियम को राज्य में अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम ने सशस्त्र बल विशेष बल अधिनियम को राज्य में अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और सशस्त्र बल विशेष बल अधिनियम को इंग्लिश में बोलते हैं AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और यह एक्ट 1958 में आया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कब आया था? 1958 में आया था। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर असम है, तो असम के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, असम के जो CM है वो है सर्बानंदा सोनोवाल, और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असम से कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो असम में, और ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट भी आपको असम से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में गूगल ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवलेखा। नवलेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गूगल ने नवलेखा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका संस्कृत में अर्थ है लिखने का एक नया तरीका, और नवलेखा प्रोजेक्ट भारत में ऑफलाइन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को अपनी सामग्री को ऑनलाइन लाने में सशक्त बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, हाल ही में गूगल ने नवलेखा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका संस्कृत में अर्थ है लिखने का एक नया तरीका, और नवलेखा प्रोजेक्ट भारत में ऑफलाइन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को अपनी सामग्री को ऑनलाइन लाने में सशक्त बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ गूगल की बात हो रही है तो गूगल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गूगल की जो स्थापना हुई है वो हुई है 4 सितंबर 1998 को। गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया US में, और गूगल के जो CEO हैं वो है सुंदर पिचाई। तो इतने पॉइंट आपको गूगल से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे छोटे रोबोट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इस रोबोट की जो साइज है वो है 120 नैनोमीटर। ये आपको याद रखना है, कितनी है साइज? 120 नैनोमीटर। और इसका जो उपयोग होगा वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के उपचार के हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर अमेरिका है, तो अमेरिका के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है Washington DC, अमेरिका की जो करेंसी है वो है USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में राजस्थान में विद्युत वितरण के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितने ऋण हेतु समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, $250 मिलियन। $250 मिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक ने $250 मिलियन का करार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर,
और इसी को ही हम पिंक सिटी भी कहते हैं। और राजस्थान के जो सीएम है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया, और राजस्थान के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह। तो इतने पॉइंट आपको राजस्थान से याद रखने, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में भारत ने विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 300 मिलियन डॉलर। 300 मिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ऊर्जा दक्षता स्केल अप कार्यक्रम के लिए यह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, भारत ऊर्जा दक्षता स्केल अप कार्यक्रम के लिए यह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ विश्व बैंक की बात हो रही है, तो विश्व बैंक के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो ये 1944 में। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी यूएस में, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है जिम योंग किम। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर के 29वें संस्करण के लिए किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर मतलब अतिथि सम्मान के रूप में नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ अबू धाबी की बात हो रही है, तो अबू धाबी कहाँ है? यूएई में। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यूएई की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इतने पॉइंट आपको यूएई से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में एशियाई खेलों 2018 में किस देश के खिलाफ हारने के बाद भारतीय टेबल टेनिस पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों 2018 में दक्षिण कोरिया से हारने के बाद भारतीय टेबल टेनिस पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ दक्षिण कोरिया इसका आंसर है, तो दक्षिण कोरिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साउथ कोरिया के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल, दक्षिण कोरिया की जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वोन, और दक्षिण कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो है मून जाई इन। तो इतने पॉइंट आपको साउथ कोरिया से भी याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में एशियाई खेलों 2018 में अरपिंदर सिंह ने ट्रिपल जंप में कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। स्वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें एशियाई खेलों में ट्रिपल जंप में अरपिंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको नाम याद रखना है, और ट्रिपल जंप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में एशियाई खेलों 2018 में नीरज चोपड़ा ने पुरुष वर्ग के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। एशियाई खेलों में पुरुष वर्ग के जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उसमें आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सजेशन को जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। और फ्रेंड्स आप ये भी बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।